Hey there, press the bell icon and never miss a video on cybersecurity and technology. OSCP की प्रिपरेशन के लिए ऑफेंसिव सिक्योरिटी ने एक कोर्स बनाया है जिसका नाम है पेनिट्रेशन टेस्टिंग विथ काली, जिसमें उन्होंने बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव कोर्स मटेरियल्स दिए हैं, बोथ वीडियोस और टेक्स्ट के फॉर्मेट में। और एग्जाम के टाइम में भी आप ये सारे नोट्स फिर से रेफर कर सकते हो अगर आपको कोई टॉपिक में डाउट है या आपको ज़रूरत है। लेकिन ये जो कोर्स है ना, ये जो नोट्स हैं, ये ऑफिशियल हैं। ये ऑफसेक चाहता है कि आप पढ़ो और जो भी ऑफेंसिव सिक्योरिटी के एग्जाम में आ सकता है वो सब कुछ इसमें है। और इसमें बहुत कुछ है, लाइक करीब 1000 के अराउंड पेजेस हैं और 100 के अराउंड वीडियोस हैं। और एग्जाम के टाइम में अगर आप ये कंटेंट यूज़ करोगे सर्च करने के लिए तो टाइम वेस्ट है। लाइक आपको पेजेस पे पेजेस स्क्रॉल करने पड़ेंगे, वीडियोस देखने पड़ेंगे बहुत सारे, और सर्च करने के टाइम में ऐसे बहुत से कंटेंट देखने पड़ेंगे और पढ़ने पड़ेंगे जो कि आपके काम के भी नहीं है। तो खुद के नोट्स बनाने की जो इम्पॉर्टेंस है उसको मैं जितना रीइन्फोर्स करूँ उतना कम है। सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट्स बेटर अंडरस्टैंड होते हैं जब आप उन्हें खुद लिखते हो या टाइप करते हो, क्योंकि वो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाए हैं जो कि बाकियों की अंडरस्टैंडिंग से अलग होती है। दूसरा ये है कि आपको इस बात की अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं। लाइक 10 पैराग्राफ्स को स्क्वीज करके, समराइज करके दो लाइन में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको एग्जाम में काम आने वाली है जहां पर आपको टाइम कम होता है और स्ट्रेस ज़्यादा होता है। तीसरा तो आपको मटेरियल ऑर्गेनाइज करना आ जाता है। लाइक कोई सूडो का एक्सप्लॉइट यूज़ करना है तो मुझे पता है कि ये प्रिवेस के अंदर होगा और उसके अंदर भी लिनक्स सेक्शन में होगा। और फॉर एग्जांपल अगर LFI मिला हुआ है तो मुझे पता है कि इनिशियल एक्सेस में होगा और वो वेब के अंदर होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप दूसरे के नोट्स यूज़ करोगे तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन अलग है, आपको मिलेगा नहीं कुछ, आप भटकते रहोगे कहाँ क्या है, किसी काम का नहीं रहेगा आपके लिए। तो जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, मैंने अलॉन्ग द वे तब से ही मैंने नोट्स बनाना चालू किया है। और आपको डिजिटल नोट्स बनाने हैं, ठीक है, हार्ड नोट्स एग्जाम में अलाउड हैं लेकिन वो मुझे किसी काम के नहीं लगते क्योंकि आप उनमें कॉपी पेस्ट कुछ कर नहीं सकते हो, तो टाइम क्या बचा आपका। तो मैं बहुत कंफ्यूज था कौन सा ऐप, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करूँ नोट मेकिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। कुछ शॉर्टलिस्ट मैंने किए थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बाकी ऑप्शंस हैं वो अच्छे नहीं हैं, मतलब ये जो ऑप्शन मैंने चूज़ किया वो बाकियों से सुपीरियर लगा। ऑप्शंस बताने से पहले मैं आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देता हूँ कि मैंने क्या चेकलिस्ट बनाई थी। सबसे पहले तो उस ऐप में ऑर्गेनाइज करना इजी होना चाहिए कंटेंट, लाइक एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मैं मॉड्यूल वाइज कंटेंट डिवाइड कर पाऊँ और उनके अंदर रिकर्सिवली कितने भी सेक्शंस बनाने हो वो मैं बना सकता हूँ। एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हो आप, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज करने में ईजी होता है। दूसरा कि फॉर्मेटिंग इजी होनी चाहिए। लाइक हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ करते हैं ना, उसमें जो सिंपल इंटरफेस है, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशंस लाइक बोल्ड, इटैलिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, यही सब होना चाहिए, सिंपल और इंटुएटिव होना चाहिए, बहुत इजीली काम हो जाना चाहिए। तीसरा तो उसमें क्रॉस डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन होना चाहिए कि मैं अगर अपने PC में नोट्स बना रहा हूं, तो मैं अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में उसी अकाउंट से एक्सेस कर पाऊं और बार बार मुझे डिवाइसेस के बिटवीन ट्रांसफ़र ना करना पड़े वो कंटेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं अपने नोट्स को किसी पॉइंट ऑफ टाइम में रिपोर्ट की तरह यूज़ करना चाहूँ तो मुझे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलना चाहिए, लाइक जो इंपॉर्टेंट फॉर्मेट्स है PDF या मार्कडाउन या HTML। मेरा प्रेफरेंस है PDF, तो इनमें से कोई भी हो जाए एक्सपोर्टिंग ऑप्शन वो ज़रूरी है। और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं लाइक कीप नोट, एवर नोट, लेकिन ये तीन मेरे फोकस में थे तो मैंने वन नोट को चूज़ किया क्योंकि इसका इंटरफेस काफ़ी सिंपल है और इसमें लिमिटेड ऑप्शन है जैसा मुझे चाहिए था और मेरी सारे रिक्वायरमेंट्स ये लगभग फुलफिल कर रहा है। लेकिन फिर अगेन ये मेरी पर्सनल चॉइस है, आप कोई भी चाहो यूज़ कर सकते हो। मैं कहता हूँ सब ट्राई करो, बहुत सारे ट्राई करो और फिर एक चूज़ करो। अब इसमें आप नोटबुक्स बना सकते हो जिसके अंदर सेक्शंस होंगे बहुत सारे और उनके अंदर भी आप पेजेस बना सकते हो फॉर पर्टिकुलर टॉपिक्स। तो मैंने क्या किया, मैंने OSCP की एक अलग नोटबुक बना ली और उसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं PW के कोर्स में उनके लिए अलग अलग सेक्शंस बना लिए और उन सेक्शंस के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनके अलग अलग पेजेस बना लिए। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि आपके नोट्स में एटलीस्ट होनी चाहिए। सबसे पहला है टॉपिक का नाम, क्वाइट ऑब्वियस, राइट। दूसरा है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। आप पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट मत कर देना क्योंकि ये प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो एक दो लाइन का डिस्क्रिप्शन काफ़ी है। नेक्स्ट है टूल का नाम जो उस टॉपिक में यूज़ हो सकते हैं और उनके डाउनलोड लिंक्स, और अगर कोई लिमिटेशन है इस टूल की तो वो भी लिख लेना। और आपके नोट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट होने चाहिए कमांड्स, क्योंकि यही आपको याद नहीं रहने वाले हैं। तो आपको वो सारे कमांड्स लिखने हैं जो इस टॉपिक में काम आ सकते हैं हर यूज़ केस के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको SQL इंजेक्शन एक्सप्लॉइट करना है तो
बहुत सारे सर्वर्स होते हैं ना, MySQL में कैसे करोगे आप, उसके अंदर भी MySQL के अंदर भी DB एक्सेस के लिए कमांड अलग होता है, और टेबल निकालने के लिए, कॉलम निकालने के लिए अलग अलग कमांड्स होते हैं, RC करने के लिए कमांड अलग होते हैं, उसके बाद दूसरा सर्वर है Postgres, तो उसमें ये सारे कमांड्स लिखने हैं इसके लिए, और फिर Oracle है, MSSQL है, इन सब के लिए हर यूज़ केस के लिए प्रॉपर कमांड्स लिखने हैं। उसके बाद इन कमांड्स के जो आउटपुट्स आते हैं उनके स्क्रीनशॉट डाल सकते हो आप। उसके बाद अगर कोई वल्नरेबिलिटी इन्वॉल्व है तो उसका एक्सप्लॉइट कोड, उसका URL या कोड स्निपेट लिख सकते हो आप। उसके बाद अगर कोई ऑटोमेटेड टूल आपने यूज़ किया या स्क्रिप्ट यूज़ की जो ऑटो पॉन ना करे तो वो आप लिख सकते हो, लाइक बफर ओवरफ्लो में बहुत यूज़ होता है, ऑफसेट फाइंड करना, फजिंग करना, और फिर बैड कर्स फाइंड करना, तो एक्सेट्रा। और आप डायग्राम्स या इलस्ट्रेशंस डाल सकते हो जो उस टॉपिक को समझाने के लिए हेल्प करेंगे। ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको कोर्स मटेरियल में मिल जाएंगी, तो आपको सिर्फ कॉपी और पेस्ट ही करना है मोस्टली। अगर आप खुद से कुछ लिखना चाहते हो तो आप लिख भी सकते हो अगर आपका टॉपिक क्लियर है तो। बस ये याद रखना कि बहुत छोटा होना चाहिए चीटशीट के फॉर्मेट में लिखना। और जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो ना वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाओ, क्योंकि इससे कोई पॉइंट मिस नहीं होगा आपका और आपका टाइम बचेगा बाद में फिर से आओगे फिर बनाओगे तो। तो अब ये तो हो गए आपके स्टडी मटेरियल के नोट्स। इसके बाद आपको लैब नोट्स बनाने हैं जो कि बहुत प्रिसाइज और अलग से बनाने हैं आपको, क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है ना ये एग्जाम रिपोर्ट के फॉर्मेट से काफ़ी मैच करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे आप लैब सॉल्व करते जाते हो, चाहे आपने खुद से किया है या कोई वॉक थ्रू देख के किया है, हर केस में आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। और मैंने कैसे बनाए थे, मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म से लैब सॉल्व किए हैं। तो सबसे पहले मैंने PW के लैब सॉल्व किए, तो मैंने एक सेक्शन बना लिया PW के लैब्स का, उसके अंदर पेजेस बना लिए, मशीन की IP का एक पेज बना लिया और उस पेज के अंदर पूरा उस मशीन का कंटेंट लिख दिया था। ऐसे करके फिर प्रूविंग ग्राउंड्स का अलग सेक्शन, उसके अंदर मशीन के नाम के अलग अलग पेजेस और उनके अंदर उनका कंटेंट, फिर हैक द बॉक्स है, फिर और जो भी होगा, तो ऐसे करके बनाए थे। अब लैब नोट्स में क्या क्या चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए वो बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको पोर्ट स्कैनिंग का आउटपुट लिखना है, जितने भी पोर्ट्स ओपन है प्रिसाइजली। उसके बाद रिकॉन या पर्टिकुलर सर्विस पर आपने जो इन्यूमरेशन किया है पर सर्विस, तो उसका आउटपुट लिखना है आपको, जितने भी पोर्ट्स ओपन थे उन सर्विस पे अलग से। उसके बाद तीसरा स्टेप है इनिशियल एक्सेस, उसके सारे स्टेप्स लिखने हैं, मतलब कौन सी सर्विस एक्सप्लॉयट करी, कौन सा वर्जन था, कौन सा एक्सप्लॉयट यूज़ किया, कौन से कमांड्स यूज़ किए, क्या चेंजेस किए, रिवर्स शेल कैसे सेटअप किया, रिवर्स लिसनर कैसे सेटअप किया और शेल कैसे मिला, ये सब कुछ। उसके बाद प्रवास के भी स्टेप्स ऐसे सिमिलर होने वाले हैं कि कौन सी सर्विस एक्सप्लॉयट करी, मिसकन्फिगरेशन क्या था, कौन सा एक्सप्लॉयट यूज़ किया, अगर आपने सोर्स बिल्ड किया है तो कंपाइलेशन के स्टेप्स क्या थे, फाइल ट्रांसफ़र कैसे करी और फाइनली रूट कैसे मिला। और अब काफ़ी सारी मशीन्स में पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन का भी पार्ट होता है, लाइक AD मशीन्स पे, तो उनकी आप अलग हेडिंग बनाओ, लाइक ये सारे सेक्शंस की आप अलग अलग हेडिंग बना के लिखो, इनिशियल की अलग, प्रीवियस की अलग, ऐसे करके। और हर स्टेप पे जो कमांड्स यूज़ किए हैं वो भी आप लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखे थे लेकिन आप लिख सकते हो, रेकमेंड करता हूँ मैं। और स्क्रीनशॉट्स भी डाल सकते हो हर स्टेप के लिए, तो ये क्या है कि आपके नोट्स जो है एग्ज़ाम रिपोर्ट के जैसे बन जाएंगे, तो रिपोर्टिंग की भी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब ये तो हो गया एक्सप्लॉयटेशन या पॉनिंग के स्टेप्स, लेकिन इसके बाद जो भी रिसोर्सेज आपने यूज़ किए हैं इस पर्टिकुलर लैब को सॉल्व करने के लिए, लाइक आर्टिकल्स या वॉक थ्रूस, उसके लिंक दे दो, जो भी टूल यूज़ किए उनका डाउनलोड लिंक दे दो, जो एक्सप्लॉयट्स यूज़ किए उनका भी लिंक दे दो रेफरेंसेज के फॉर्मेट में, तो इन सब चीज़ों से आपके नोट्स बहुत सही बन जाएंगे। अब इनके अलावा मैंने एक अलग सेक्शन बनाया था एग्ज़ाम टिप्स के नाम से, जो मैं एग्ज़ाम में यूज़ करने वाला था, जिसमें एक मशीन को एक्सप्लॉयट करने के जितने भी स्टेप्स होते हैं सारे स्टेप्स के पेजेस बना लिए थे, और उन पेजेस के अंदर जितना भी मैंने अभी तक पढ़ा है उस स्टेप के लिए वो सब कुछ मैंने डाल दिया था जो मुझे एग्ज़ाम में काम आए, स्पेसिफिकली फॉर एग्ज़ाम मैंने ये अलग सेक्शन बनाया था। तो इसमें आप देख सकते हो कि इनिशियल एक्सेस के लिए अलग से पेज है, उसके अंदर मैंने जितनी भी चीज़ें इनिशियल एक्सेस में काम आती हैं उसके कमांड्स भी लिखे हैं, टिप्स भी लिखी हैं, और अलग हेडिंग्स बना लिए लिनक्स के लिए, विंडोज़ के लिए और AD के लिए भी, क्योंकि सबके कमांड्स और तरीके अलग अलग होते हैं। फिर प्रवास के लिए अलग से पेज है जितने भी तरीके हो सकते हैं, उसके बाद स्कैनिंग का अलग पेज है, पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन और पासवर्ड क्रैकिंग, वेब के अटैक्स के लिए अलग पेज है जिसमें SQLi, LFi, RC, XSS और फजिंग सब के लिए मैंने कमांड्स लिखे हैं, टिप्स लिखी हैं। और कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि आपके पेन टेस्टिंग वर्क फ्लो को कैटलाइज करते हैं, लाइक फाइल ट्रांसफर के कमांड्स होते हैं, कौन से टूल्स यूज होते हैं, लिनक्स टू विंडोज़ और वाइस वर्सा, जो भी टूल्स हैं वो सारे लिख दिए थे। उसके बाद क्रॉस कंपाइलेशन कैसे करते हैं, लिनक्स में विंडोज़ की बाइनरीज कैसे बनाते हैं, नेटकैट, सोकैट, पावर शेल, तो जो मुझे बार बार यूज़ आते हैं ना हर मशीन में, वो मैंने अलग से एक फॉर्मेट बना के लिख लिए थे और बस मैं कॉपी पेस्ट करता था और खुद से मॉडिफाई करता था। उसके बाद बफर ओवरफ्लो के सारे स्क्रिप्ट होती हैं,
पिवटिंग के लिए, टनलिंग के लिए चिजल, प्रॉक्सी चेन्स के कमांड्स हैं, रिपोर्टिंग की टिप्स लिख दी थी मैंने, तो यही सेक्शन मुझे एग्जाम में काम आया है और बाकी के जो सेक्शंस हैं वो बस याद रखने के लिए और रिपोर्टिंग की प्रैक्टिस के लिए बनाया था मैंने। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पर्टिकुलर सर्विस या प्रोटोकॉल के लिए अलग से पेजेस बना लेते हैं और उनके अंदर जितने भी तरीके हैं वो लिख देते हैं, लाइक FTP मिला तो क्या कर सकते हैं, ब्रूट फोर्स या एनोनिमस लॉगिन, SSH मिला तो क्या कर सकते हैं, RDP मिला तो क्या, LDAP मिला तो क्या, और SNMP, SMB मिला तो क्या। तो बहुत सारे ऐसे जस्ट एक आइडिया है जो आप यूज़ कर सकते हो। खैर, एक चीट शीट की तरह हो जाता है ये, मुझे जो सूट करता है मैंने वैसे बनाया, बाकी आप फ्री हो। तो आपको अपने नोट्स चेकलिस्ट की तरह बनाने हैं जो कि बहुत प्रिसाइस और टू द पॉइंट होने चाहिए। तो एक टॉपिक के ऊपर एग्जॉस्टिव नोट्स बना लो ताकि आप एक मशीन पे एक सर्विस मिलती है तो क्या क्या चेक करना है ये सब पता कर पाओ। तो नोट्स बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा भी बनाओ, बस ये ध्यान रखना कि आपको एग्जाम के लिए आइडियाज और कमांड्स लिखने हैं, तो मेक श्योर दे क्रिएट मिनिमम टर्न अराउंड। अब मुझे पता है काफी सारे लोग मुझसे मेरे नोट्स मांगेंगे जिससे उनकी हेल्प हो जाए, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं अपने एग्जैक्ट OSCP नोट्स नहीं शेयर करने वाला। इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये कि जो मेरे नोट्स हैं वो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग बनाए हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो आपको काम आएंगे, क्योंकि जो मैंने चीज़ें इंक्लूड की हैं उसमें हो सकता है कि वो आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको याद रहती है, वो अननेसेसरी हैं, और कुछ चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं जो आप चाहते हो आपके नोट्स में हो और मैंने नहीं डाली हो तो वो मिस कर जाओ। दूसरा तो ये है कि इट विल डिफीट द वेरी पर्पस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। अब मैं नोट शेयर कर दूंगा तो आप उस पर रिलाय करोगे और खुद के नहीं बनाओगे, और मैं ये नहीं चाहता। अब ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ हेल्प नहीं करूंगा आपकी, मैं धीरे धीरे वो नोट शेयर करूंगा अपने जो कि सबके काम आए, जो ऑब्वियस है देना, लेकिन एट द सेम टाइम आई वॉन्ट यू पीपल टू मेक योर ओन नोट्स। बाकी मैं तो हमेशा यही रहूंगा आपको गाइड करने के लिए, और जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, और काफ़ी सारे लोगों को ये नॉलेज चाहिए तो प्लीज़ उनको शेयर करें जो OSCP की प्रिपरेशन कर रहे हैं जनरली इन्फोसेक में। और बस आगे के लिए ऐसे वीडियोस और भी चाहिए OSCP की, और भी मैं डालूंगा, जितनी भी गाइडेंस है सब शेयर करूंगा जो मुझे आता है, और काफ़ी सारा और कंटेंट आएगा साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग में। तो बस देखते रहिए, सब्सक्राइब कर देना यार, और बस देखते रहिए, सीखते रहिए, और गुड बाय।